हेलो बच्चों, आज हम स्वर के भेद पढ़ेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्वर कहते किसे हैं, तो आगे बात करते हैं स्वर के भेद। स्वर के तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुट स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं कि जिनके बोलने में कम समय लगे, या हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे आ ई ऊ री। या हम कह सकते हैं एक मात्र, कितने मात्र, एक मात्र। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनके बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई ऊ ए ए ओ औ। इस प्रकार ये दीर्घ स्वर होते हैं। और हम कह सकते हैं जिनकी दो मात्राएं होती हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर जिनके बोलने में या जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। इस ओम शब्द में हमने तीन के चिन्ह को अंकित किया है, जिसे हमें पता चलता है कि इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी शब्द को बोलते वक्त उसमें हमने हर्ष से तीन गुना समय अधिक लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।